आज हम बात करने वाले हैं, जब हमें बुखार लगती है तो हमारा तापमान बढ़ क्यों जाता है। क्या एक छोटे से कीटाणु में इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देती है? यह तभी संभव हो सकता है जब वह हमारे पूरे शरीर पर कब्जा ले। लेकिन क्या वह हमारे पूरे शरीर पर कब्जा लेती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ द वैदिक विद्यालय। आज हम बात करने वाले हैं, हमें बुखार लगने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ क्यों जाता है। तो इसका सबसे पहला मुख्य कारण जानते हैं। तो सबसे पहले पैथोजिन हमारे शरीर में आता है तो वह हमारे शरीर पर हमला कर देता है, जिसके कारण हमारे जो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके खिलाफ लड़ने लगते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को एक ऐसे सुरक्षा कवच चाहिए जो उसे बचा सके। इसीलिए हमारे शरीर का तापमान हमारा दिमाग बढ़ा देता है, जिसके कारण ये पैथोजिन यानी कि कीटाणु और वायरस मारे जाएँ, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तथा वह कीटाणु मारे जाते हैं। लेकिन हमारे सर पर पट्टी क्यों रखी जाती है? सबसे पहले हमारा दिमाग को काम करने के लिए शांति चाहिए, जिसके कारण हमारे पट्टी दिमाग पर लगती है ना कि पूरे शरीर पर। इसलिए जब भी हमें बुखार लगती है हमें ना नहाने की सलाह दी जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान बने रहे और जल्दी से ये पैथोजिन मारे जाए। और हमें यह भी कहा जाता है कि जब भी आपको बहुत ठंड लगे यानी कि बुखार लगे तब आप और गर्मी बर्दाश्त कीजिए, जितनी गर्मी आप बर्दाश्त करेंगे उतनी जल्दी आपको बुखार सही होगा। थैंक्स।